देखिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर दें, हम लोग ड्राइवर्स के साथ हैं। ड्राइवर्स जो हैं वो देश की रीढ़ हैं। अगर ये लोग चक्का जाम कर देंगे तो खाना पानी रसद मतलब आप तक कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आज सवाल है कि इनको भड़का कौन रहा है। मतलब आपने सुना ना कि अगर किसी को मरता हुआ छोड़ जाएंगे सड़क पर, एक्सीडेंट हुआ किसी को मरता हुआ छोड़ गए, तो आपको 10 साल की सजा होगी। कौन है जो इनको भड़का रहा है, कौन है जो आग लगा रहा है? ऐसा करिए, हम आपको ना ये अच्छा ये तस्वीरें चल रही है ना, आप ये 5 तस्वीरें देखिए। हम दरअसल इसके पैटर्न पर आज बात करेंगे। मतलब भारत में टूलकिट गैंग और इस गैंग के समर्थकों को मिर्ची तो लगेगी, लेकिन पिछले 5 साल में ना कैसे लगातार साल की शुरुआत से ही देश को आंदोलनों की आग में झोंकने की कोशिश की जाती रही है, उसे साबित करता है साल दर साल बवाल ही बवाल वाला ये कैलेंडर आपके सामने है। एक बार देखिए आप, शुरुआत करते हैं। अच्छा चलिए 20 से शुरुआत करता हूं। 2020 की शुरुआत में CAA आंदोलन याद है, 20 की शुरुआत CAA आंदोलन, जिसका ना सर ना पैर, भारत के नागरिकों से जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, भड़का दिया। 2020 आगे बढ़िए, 2021 कथित किसान आंदोलन, 26 जनवरी, जनवरी का भी, वो भी जनवरी का महीना था, साल की शुरुआत 2021 26 जनवरी, लाल किला याद है आपको। आगे बढ़िए, 2022 पहले महीने में हिजाब वाला आंदोलन, वो आग याद है, मतलब वो आग जैसे तैसे शांत हुई तो अग्निपथ योजना के नाम पर आंदोलन। फिर आगे बढ़िए, 2023 की शुरुआत में पहलवान आंदोलन, अब फिर नया साल फिर आंदोलन, नया साल फिर आंदोलन, 2024 की शुरुआत नए आंदोलन से हुई है। 20, 21, 22, 23, 24 हर नया साल नया बवाल नया आंदोलन। दरअसल आज ना इसी पैटर्न को हम डिकोड करेंगे। ड्राइवर्स के साथ हैं हम, लेकिन कौन है जो उनको भड़का रहा है ना, क्या इसके पीछे भी किसी तरह के कुछ टूलकिट है जो एक्टिव हो चुके हैं? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अब हो सकता है कि कुछ लोग ये देखकर कहें कि भाई धरना प्रदर्शन में क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहेंगे ये तो लोकतांत्रिक अधिकार होता है, प्रदर्शन करना आंदोलन करना बिल्कुल ठीक बात है, ये लोकतंत्र की ताकत है, इसमें गलत क्या है, मतलब हम इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, यही कहेंगे ना। देखिए हम भी मानते हैं बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में आंदोलन बहुत जरूरी है, लेकिन आपको पता है जितने अभी मैंने बताया ना सभी आंदोलनों में एक जैसी बात कॉमन है, कॉमन फैक्टर वो ये कि सारे आंदोलन लगभग झूठ और अफवाहों की बुनियाद पर खड़े किए गए थे। ताजा झूठ ये कि हिट एंड रन, ध्यान से सुनिएगा, हिट एंड रन मामले में बनाया गया 10 साल की सजा वाला कानून देश के करोड़ों ट्रक और बस ड्राइवर्स के खिलाफ है। सच ये है कि लोगों की जान बचाने वाला कानून है ये, लोगों की जान बचाने वाला। लोग और ज्यादा सजग होंगे जब पता लगेगा कि 10 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अगर एक्सीडेंट किया, किसी को वहीं मरता हुआ छोड़ दिया, तो पहले कोई भी करे, अगर वो मैं करता हूं आप करते हैं कोई भी करता है कि एक्सीडेंट किया मरता हुआ वहीं छोड़ दिया, बाद में पकड़े गए तो मैक्सिमम 2 साल की सजा होती थी, वो भी बेलेबल छूट गए बाहर आ गए खत्म, आदमी भी खत्म हो जाए तब भी यह हाल था। अब अगर किसी को मरते हुए छोड़ दिया 10 साल अंदर जाना होगा, ये जान बचाने वाला कानून है। पिछला झूठ ये था कि सरकार, एक ये झूठ बताया मैंने आपको कि सरकार पहलवानों के साथ अन्याय कर रही है, सरकार पहलवानों के साथ नहीं है। क्या किया अभी सरकार ने, देखा आपने, तब भी पहलवानों की सारी मांगे मान ली गई और आज भी नए कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया। क्या मैसेज दिया सरकार ने पहलवानों के साथ? 2022 का झूठ हिजाब के नाम पर बोला गया, फिर अग्निपथ योजना के नाम पर भड़काया गया देश के युवाओं को, साल दर साल किसानों से झूठ बोला गया, कानून वापस लेने से देश के गरीब किसानों का भला हुआ तो कोई आप हमें बताएं, जगह जगह जिस तरह से कीमतें हैं आप जान ही रहे हैं। 2020 में CAA को लेकर ना सबसे बड़ा झूठ बोला गया था, नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, भारत के नागरिकों का लेना देना ही नहीं था। तब से लेकर अब तक देश के एक भी मुसलमान की नागरिकता गई हो इस कानून की वजह से, बताए हमें 20, 21, 22, 23, 24
नया साल नया आंदोलन, कौन लोग होते हैं इसके पीछे? अब सोचिए, इस साल की शुरुआत भी ना एक ऐसे ही आंदोलन से शुरू हुई है जिसके केंद्र में अफवाहें और झूठ हैं। क्या हुआ, पिछले महीने संसद में सरकार ने भारतीय न्याय संहिता BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत एक नया कानून पास किया था जिसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति से कोई सड़क दुर्घटना होती है, सुनिएगा, तो और वो पीड़ित की मदद करने की बजाय दुर्घटना की सूचना देने की बजाय वहां से भाग जाता है, मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है, यानी दुर्घटना हिट एंड रन में बदल जाती है, तो उसे नए कानून के मुताबिक 10 साल तक की सजा और 7,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब इससे क्या होगा, किसी से एक्सीडेंट होगा वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा, उसकी जान बच सकेगी, तो ये जान बचाने वाला कानून है, 10 साल की सजा एक डिटरेंट का काम करेगी। ठीक, अब इस नए कानून के खिलाफ बिना देश भर के ट्रक ड्राइवर्स देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश में कम से कम 10 राज्यों के ट्रक ड्राइवर्स बस ड्राइवर्स हड़ताल पर है कि 10 साल की सजा गलत है, 7,00,000 का जुर्माना गलत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज दिन भर विरोध प्रदर्शन होते रहे। 10 साल की सजा क्यों, अरे भागना क्यों है? मतलब जगह जगह चक्का जाम किया गया, कुछ राज्यों से तो ट्रक ड्राइवर्स की पुलिस वालों के साथ कहासुनी हो गई, मारपिटाई की खबरें भी आई। ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इस हड़ताल के नाम पर कहीं पेट्रोल खत्म हो जाने की तो कहीं खाने पीने का सामान महंगा हो जाने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नतीजा क्या है, सड़कें जाम, चक्का जाम, लोग परेशान, जगह जगह पूरी पूरी रात ठिठुरती ठंड में लोगों को गुजारनी पड़ रही है क्योंकि चक्का जाम है। नतीजा ये हुआ कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप्स के बाद लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और अफवाहों की वजह से कहीं कहीं तो लोगों के बीच लड़ाई, हिंसा और छीना झपटी की खबरें आ रही हैं। मतलब फिर सड़कें जाम, चक्का जाम, लोग परेशान और सियासत पहलवान। देखिए, नए साल पर इस नए आंदोलन की आग में राजनीति और अफवाहों का तेल जमकर छिड़का जा रहा है, जिसका असर यह हुआ है कि कई एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिल रहा है, कई लोगों को आने जाने के लिए बसेस नहीं मिल रही हैं, कई पेट्रोल की जमाखोरी शुरू हो गई है, कई लोगों को वाकई पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल पंप्स के बाद लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, कई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालक इसी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, लोगों का बुरा हाल है और ये सब हो रहा है जान बचाने वाले कानून के खिलाफ। सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए नए कानूनों के नाम पर हड़ताल को लेकर ना एक और बड़ी खबर इस वक्त जो अभी मुझे मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी खबर है, जबलपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करने के लिए, MP सरकार को सख्त हिदायत दे दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है कि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म की जाए, MP सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को सख्त हिदायत दे दी गई है, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये एडवोकेट जनरल ने कहा है कि हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से आज ही कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के सामाजिक संगठन ने एक याचिका दायर कर ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। बड़ी खबर है ये। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ट्रक एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है और हड़ताल जल्दी खत्म करवाए, जल्दी खत्म हो हड़ताल। चलिए, कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। अब आप एक काम करिए, विडंबना देखिए। याद है 1 जनवरी पिछले साल, यह आंदोलन अभी जनवरी में शुरू हुआ ना, पिछले साल 1 जनवरी को ना दिल्ली के कंझावला से हिट एंड रन की एक दिल दहला देने वाली खबर आई थी, आपको याद है? आपको याद होगा 31 दिसंबर 2022 आधी रात को दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में शराब के नशे में गाड़ी चला रहे कुछ युवकों ने अंजलि नाम की एक लड़की की स्कूटी पर टक्कर मारी, फिर उसे गाड़ी के साथ ही 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे, हिट एंड रन एंड ड्रैग। तब हिट एंड रन की इस घटना के बाद ना पूरे देश में गुस्सा था। आज विपक्ष की कई पार्टियां कह रही है कि गलत हो रहा है। लोग ऐसे मामलों में सख्त कानूनों की मांग कर रहे थे। तब आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की जा रही थी।
मौत की सजा होनी चाहिए हिट एंड रन में, याद है? और आज जब सरकार ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कानून बना दिया तो उसी का विरोध हो रहा है। और हैरानगी इस बात को लेकर है कि उस समय कंजावला में हुई घटना के विरोध में ना इंडी गठबंधन की कई पार्टियां सड़कों पर उतरकर दिल्ली के उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। और आज वही पार्टियां इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और इंडी गठबंधन में कई पार्टियां उस वक्त सख्त कानून की मांग कर रही थी, आज सख्त कानून का विरोध कर रही हैं। और समझिए, भारत में समय ना 24 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 24 करोड़ आंकड़े सुनिएगा, जिनके पास किसी ना किसी वाहन को चलाने का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि इनमें से हर 10 में से 6 ने, यानी कि करीब 60% ने, यानी कि 14 करोड़ 40 लाख लोगों ने ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ना कभी कोई टेस्ट ही नहीं दिया। यानी कि इन 14.5 करोड़ लोगों ने जीवन में कभी ना कभी आरटीओ में जाकर किसी दलाल को पैसे दिए, उस दलाल ने आगे आरटीओ के किसी अधिकारी को रिश्वत दी और इन लोगों को घर बैठे सड़क पर वाहन दौड़ाने का लाइसेंस मिल गया। और जब ऐसे लोग सड़क पर गाड़ियां लेकर निकलते हैं ना तो काल होते हैं वो, आपको पता है क्या होता है? तो होती है जानलेवा दुर्घटनाएं। भारत में हर साल 4,60,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, 4,60,000। 2022 में भारत में इन सड़क दुर्घटनाओं में 1,68,000 लोगों की जान चली गई, जो पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इनमें से भी हर साल 25,000 हर साल लोगों की जान हिट एंड रन की वजह से चली जाती है, 25,000 हिट एंड रन के मामलों में जाती है। और हिट एंड रन यानी कि जब कोई ड्राइवर किसी दूसरे को टक्कर मारकर उसे तड़पता हुआ रोड पर छोड़कर भाग जाए और उसकी मदद करने की बजाय उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है, हिट एंड रन से पिछले साल ना 25,000 लोगों की मौत हुई। सोचिए, 25,000 लोगों की जान बच सकती थी अगर उनको समय से इलाज मिल जाता और उनको अस्पताल पहुंचाया जा सकता। तो 45,000 से ज्यादा ऐसे थे जिन्हें सड़क पर घायल अवस्था में ही छोड़ दिया गया, 25,000 मर गए। अब आप सोचिए, जिस देश में ना गाड़ी चलाने को लेकर लोगों का रवैया इतना लापरवाही भरा है, हमें कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है, जिस देश में 60% लोग बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए लाइसेंस टू किल हासिल कर लेते हैं ना, जिस देश में हर दिन 70 दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें एक्सीडेंट करने वाला किसी घायल को मरने के लिए सड़क पर छोड़कर भाग जाता है, भागने वाला अगर पकड़ा भी जाता है तो अब तक उसे क्या होता था? मैक्सिमम 2 साल की सजा। मतलब आपने हिट किया, आप भाग गए और गलती से, मतलब गैर इरादतन हत्या, गलती से उसकी मौत हो गई, आप भाग गए, 2 साल की सजा। सजा तो छोड़िए, ज्यादातर मामलों में सड़क पर लापरवाही से किसी की जान लेने वाला कुछ घंटों में जमानत लेकर जेल से बाहर आ जाता था। अब ये डिटेरेंट होगा, आप सजग रहेंगे, ध्यान से गाड़ी चलाएंगे। ये जो मैं शो कर रहा हूं ना, हो सकता है कई लोगों के, कई परिवार के कई सदस्य इस तरह से किन लोगों ने खोई होगी ना, तो हो सकता है वो लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, 10 साल की सजा भी कम है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, कुछ उसी तरह के हिट एंड रन केसेस की तस्वीरें हैं ये। मतलब क्या उस देश में हिट एंड रन को लेकर सख्त कानूनों की जरूरत नहीं? आप तो तय करिए, बिल्कुल है। और ना ये बात हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं, सरकार ने इसी जरूरत को ध्यान में रखकर पिछले महीने संसद में भारतीय न्याय संहिता के तहत एक नया कानून पास किया है जिसमें 2 धाराएं महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। धारा 106(1), धारा 106(2). अब समझिए, धारा 106(1) के तहत अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 106(1) गलती से एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, घायल को अस्पताल लेकर वो चला जाता है, गलती से एक्सीडेंट हुआ, आप उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं या फिर आप पुलिस और मजिस्ट्रेट को तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, तो ये मामला बनता है बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता की 106(1), ठीक, ये अवेलेबल है। आपने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, आपने किसी की जान बचाई, गलती से एक्सीडेंट हुआ, तो वो अवेलेबल होगा जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लोगों की जान बच पाएगी। अब सुनिए दूसरी धारा 106(2). अब ये इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाता है, यानी कि हिट एंड रन, तो उस पर
भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लगेगी, जो नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध होगा और उसमें 10 साल की सजा। भागना नहीं है, एक्सीडेंट हो गया भाई साहब तो रुक जाइए, अस्पताल पहुंचा दीजिए, जान बचा लीजिए, अब ऐसे भाग जाओगे बड़ा पछताओगे। 10 साल की सजा है, 7,00,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मतलब मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सड़क पर किसी दूसरे की लापरवाही का शिकार हो जाए, कभी ना हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो और ड्राइवर स्पॉट से भाग जाए, समय पर इलाज ना मिलने की वजह से आपके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाए, आपको लगेगा 10 साल की सजा भी कम है ऐसे आदमी के लिए। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ना गलती से, उनके किसी परिवार के सदस्य के साथ कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा हो, व्यक्ति आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग जाए, तो कैसे व्यक्ति को सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूं 10 साल भी कम है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी को मरते हुए वहां पर छोड़कर जाना ना, ये गैर इरादतन हत्या नहीं होती, मेरी नजर में तो ये हत्या है। आपने मारा, गलती से मारा और मरता हुआ छोड़कर चले गए, तो वो मर्डर ही तो हुआ, आप उसकी जान बचा सकते थे। मतलब अगर पीड़ित आप है ना, तो आप कहेंगे दूसरे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर एक्सीडेंट करने वाले ही आप हैं तो फिर तो जी ये कानून बहुत सख्त है जी। लेकिन कानूनों के साथ अच्छी बात ये होती है कि उन्हें कुछ लोगों की सुविधा के हिसाब से नहीं बदला जा सकता, और बदला जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है ना, कि कोई अच्छा कानून ना हो तो भी विरोध होता है, और कोई अच्छा कानून बन जाए तो भी विरोध होता है, और ऐसा ही इस नए कानून के साथ हो रहा है, जिसके विरोध में बस और ट्रक ड्राइवर्स, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का कहना है कि ये भारत में 80,00,000 ट्रक ड्राइवर्स और 20-25,00,000 बस ड्राइवर्स के साथ अन्याय है। और ये सारे ट्रक और बस ड्राइवर्स गरीब परिवारों से आते हैं, इन्हें हिट एंड रन के मामले में 10 साल जेल में काटने पड़ेंगे तो इनका क्या होगा? अरे भाई साहब भागना क्यों है कि ये लोग सजा के तौर पर भरने के लिए 7,00,000 रुपए जुर्माना कहां से देंगे? इन ड्राइवर्स की आशंकाएं देखिए हो सकता है सही हो, लेकिन सवाल है, मतलब कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कैब चलाने वाला है, देश का आम आदमी है, अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो भागना ही क्यों है? क्यों भागना है? कोई मर जाएगा, भागना तो जानबूझकर किया गया अपराध हुआ ना फिर। हाँ, कुछ ड्राइवर्स का ये डर भी ठीक है कि अगर दुर्घटना के बाद वो उस जगह पर रुकता है तो भारी भीड़ हिंसक हो जाती है और ड्राइवर की जान पर बनाती है, मॉब लिंचिंग, कई बार भीड़ जान भी ले लेती है। हालांकि मॉब लिंचिंग से बचाने के लिए भी ना सरकार नया कानून लाई है, जिसके तहत अगर भीड़ किसी व्यक्ति पर हमला करके उसकी जान ले लेती है ना, तो अब भीड़ में शामिल लोगों के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। भारत में मॉब लिंचिंग का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, हमने जब रिसर्च की तो हमें 2010 से 2017 के बीच मॉब लिंचिंग के इन 7 सालों में 68 केसेस का पता लगा। लोगों को जो डर है ना कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी इसलिए भाग जाओ वहां से, उसको मरता हुआ छोड़ दो, तो उनके लिए हमें पता लगा 2010 से 2017 मॉब लिंचिंग के 68 मामलों का पता लगा, जिसमें 28 लोगों की जान गई, 28 7 सालों में। इनमें से भी ना हिट एंड रन करने वाले किसी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग का मामला शायद इक्का दुक्का ही रहा होगा, यानी 7 सालों में मॉब लिंचिंग में 28 लोगों की जान गई, हर दिन औसतन सड़क दुर्घटनाओं में ही 460 लोगों की जान चली जाती है, 460, क्या एक्सक्यूज है ये? मतलब जिन लोगों के हाथों सड़क दुर्घटनाओं में औसतन हर दिन 460 लोग मारे जाते हैं, उनमें से औसतन 70 लोग मौके से रफू चक्कर नौद वगैरह, तो क्या बाकी के 390 लोगों को भीड़ हर दिन पीट पीट कर मार देती है क्या? कि आपसे एक्सीडेंट हुआ, आप वहां रुक गए, तो क्या भीड़ आपको मार देती है क्या? इक्का दुक्का मामला हो सकता है, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं है किसी को मरते हुए छोड़कर भाग जाने का। देखिए, ना तो कानून बनने से पहले ऐसा होता था, ना ही कानून बनने के बाद ऐसा होने की आशंका है, उल्टे अब तो मॉब लिंचिंग के मामले में मौत की सजा तक का प्रावधान है। देखिए, फिर भी ऐसा लगता है कि देश भर के करीब 1 करोड़ बस और ट्रक ड्राइवर्स के बीच ना झूठा खौफ पैदा किया जा रहा है, हमें खुलकर कह रहे हैं आज, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसके लिए आप कुछ आंकड़ों के जरिए टूलकिट गैंग के इस नंबर गेम को एक बार आप समझिए। भारत में ना 80,00,000 ट्रक ड्राइवर्स, 20,00,000 बस ड्राइवर्स और 15-20,00,000 कैब ड्राइवर्स हैं। ये आंकड़ा भारत, मतलब 1 करोड़ 20 लाख परिवारों से जुड़ा है।
अब एक परिवार में आप अगर औसतन 5 भी मान लें तो ये 5 करोड़ परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा संभवतः वोट बैंक भी है। मतलब इसलिए टूलकिट गैंग की नजर इन लोगों पर है, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के समय इस गैंग की नजर देश के 15 करोड़ किसानों और उनके परिवारों पर थी। भोले भाले किसानों को बरगलाया गया। इसे आप समझ रहे होंगे कि नए कानून को लेकर नए साल पर नया आंदोलन शुरू करके ड्राइवरों के बीच गलतफहमी पैदा करके उन्हें कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है। ठीक वैसे जैसे किसानों को संभवतः भड़का